वेलकम फ्रेंड माय चैनल ज्ञान की बात। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप पेटीएम ऐप से किस तरह से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। सो आइए आज कुछ नया जानते हैं। आइए फ्रेंड हम जानते हैं किस तरह से पेटीएम ऐप से हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं ट्रेन का। पेटीएम से टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आइए हम पेटीएम ऐप को ओपन करते हैं। आप देख पा रहे फ्रेंड मैं पेटीएम में लॉगिन हो चुका हूं। उसके बाद आप देख पा रहे एक ऑप्शन होगा होम स्क्रीन पे ट्रेवल एंड फ्लाइट्स का, उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जैसे फ्लाइट्स टिकट, बस टिकट्स, लेकिन हम ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं इसलिए मैं ट्रेन टिकट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देख पा रहे फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा जहाँ पर पहला ऑप्शन है बुक टिकट्स, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है चेक पी एन आर, थर्ड ऑप्शन है ट्रेन स्टेटस। क्योंकि मैं ट्रेन का टिकट बुक करना चाहता हूँ इसलिए एक ऑप्शन है बुक टिकट, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देख पा रहे फ्रेंड आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा बाय स्टेशन, एक आएगा बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन को ट्रेन नंबर से सर्च करना चाहते हैं बाय ट्रेन के ऑप्शन में क्लिक कीजिए, आप यहां पे ट्रेन नंबर एंटर कर सकते हैं, या अगर आप स्टेशन से सर्च करना चाहते हैं तो बाय स्टेशन पर क्लिक कीजिए। आप जिस भी स्टेशन से जाना चाहते हैं आप इस पर क्लिक कीजिए। आप जिस भी स्टेशन से ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम आप इंटर यहाँ पे कीजिए। जैसे मैं पटना स्टेशन से जाना चाहता हूँ इसलिए मैं पटना सर्च करूँगा। अगर आप जानते हैं स्टेशन का कोड आप स्टेशन का कोड भी इंटर कर सकते हैं। स्टेशन का कोड इंटर करने के बाद आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं उस स्टेशन को सर्च कीजिए। जैसे मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली स्टेशन का कोड जानते हैं तो आप इंटर कीजिए। स्टेशन नेम इंटर करने के बाद आप सिलेक्ट कीजिए, न्यू दिल्ली का ऑप्शन आ रहा है उस पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप डेट सेलेक्ट कीजिए किस डेट में आप जाना चाहते हैं, इसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिए। डेट का टिकट बुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप अगस्त का टिकट बुक करना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं सितंबर में जाना चाहता हूं तो मैं सितंबर के ऑप्शन पर आऊँगा और जिस डेट पर जाना चाहता हूँ वो डेट पर सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं 24 सितंबर को जाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देख पा रहे एक ऑप्शन है सर्च ट्रेन, उस पर क्लिक कीजिए। सर्च ट्रेन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पटना टू दिल्ली जितना भी ट्रेन है सारा शो कर जाएगा और जिस भी ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं आप क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं टिकट बुक करना चाहूँगा ट्रेन नंबर 02391। आप नीचे की ओर देख पा रहे फ्रेंड आपके पास क्लास का ऑप्शन होगा, सेकेंड सीटिंग, स्लीपर क्लास, एसी क्लास। मैं स्लीपर क्लास से बुक करना चाहता हूँ इसलिए मैं स्लीपर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं 24 सितंबर का टिकट बुक करना चाहता हूँ इसलिए मैं बुक के ऑप्शन में क्लिक करूँगा। इन्फॉर्मेशन इंटर कीजिए, अपना फुल नेम, एज, आइए मैं इंटर करते हैं। नेम इंटर करने के बाद फ्रेंड अपना एज इंटर कीजिए। अगर आपके साथ 4 साल का बच्चा है अगर उसे ऐड करना चाहते हैं देख पा रहे एक ऑप्शन होगा ऐड चाइल्ड, उस पर क्लिक कीजिए और उनका सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इंटर कीजिए। चाहते और भी मेम्बर ऐड करना चाहते हैं आप देख पा रहे फ्रेंड ऐड एडल्ट, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन इंटर कीजिए जैसे फुल नेम, एज, क्योंकि मैं सिंगल जाना चाहता हूँ इसलिए ओनली अपना इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पे आपका टिकट का इन्फॉर्मेशन आएगा। अपना मेल एंटर कीजिए, उसके बाद अपना एड्रेस एंटर कीजिए जहाँ जाना चाहते हैं आप। उसके बाद पिन कोड एंटर कीजिए। पिन एंटर करने के बाद फिर ऑटोमेटिक आपका सिटी ले लेगा, आपका स्टेट, और उसके बाद अपना पोस्ट सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है न्यू दिल्ली GPO, उस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देख पा रहे फ्रेंड नीचे के एक ऑप्शन होगा प्रोसीड टू बुक, उस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद देख पा रहे फ्रेंड आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ गया है। नीचे की ओर देख पा रहे दो ऑप्शन है आई रिमेंबर माई IRCTC पासवर्ड। अगर आप IRCTC का पासवर्ड याद नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हैं आई डोंट रिमेंबर माई IRCTC पासवर्ड, क्योंकि मुझे याद है अपना IRCTC पासवर्ड इसलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। देख पा रहे टोटल किराया है 562.38 रुपया। उसके बाद एक ऑप्शन होगा प्रोसीड टू पे, उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे टिकट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। सो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँ और इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।